अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्लैंड स्टार्ट करे थे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें एक आपके पास है सलाइवरी ग्लैंड और एक सेकंड हम लोगों ने इसमें लिवर किया था। अभी जरा नेक्स्ट चलते हैं पेनक्रियास पे, देन उसके बाद हमारे दो ग्लैंड्स और हैं। तो सबसे पहले देखो, जो पेनक्रियास है उसको कंपाउंड ग्लैंड बोला जाता है, आप इसको कंपाउंड भी बोल सकते हो, और एक और टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रो बेसिकली यूज होता है मिक्सचर के लिए, ठीक है। दो डिफरेंट चीजें जब इकट्ठी हो तो उसके लिए आप हेट्रो वर्ड यूज कर सकते हो। तो पेनक्रियास जो है वो कंपाउंड ग्लैंड है, क्योंकि पेनक्रियास बेटा एक्सोक्राइन भी है और पेनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन भी है, तो बेसिकली ये दोनों काम करते हैं। तो ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लिम्स ऑफ द यू शेप ड्यूडेनम, क्लियर। और कभी भी अगर आप पेनक्रियास का यहाँ पर जैसे सेक्शनल व्यू देखो, तो सपोज अगर हम यहाँ पर सेक्शनल व्यू बनाएं, तो पहली बात तो बेटा पेनक्रियास का जो पेरिफेरल पोर्शन है, मतलब जो मार्जिन है, जो आउटर पोर्शन है, वहां पर आपको बहुत सारी फॉलिकल्स नजर आती हैं। सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड पेनक्रियाटिक एकेडी, क्लियर। अभी इनका जो मेन काम होता है, इनका काम होता है दैट इज देयर एक्सोक्राइन इन नेचर। एक्सोक्राइन है तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेंगे। तो बेसिकली जो पेनक्रियाटिक एकेनी है, ये हमारे पास एक्सोक्राइन पार्ट है, एंड बीइंग अ एक्सोक्राइन पार्ट, इसका मेन काम होता है द सिक्रेशन ऑफ द जूस व्हिच इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक जूस, क्लियर। और देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर सेंटर में चले, ठीक है, अगर हम यहाँ पर सेंटर में चलते हैं, तो सेंटर में बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर पार्ट आता है विच इज एक्चुअली कंटेन लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट सेल्स का एक ग्रुप मिलेगा। अब ये जो ग्रुप आपको सेंटर में मिलता है, इस ग्रुप को यहाँ पर नाम दिया जाता है इजलेट्स ऑफ लैंगरहांस। नाउ दिस इज बेसिकली द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास। तो अगर ये एंडोक्राइन है तो इसका मेन काम रहेगा हॉर्मोन का सिक्रेशन। तो इस चैप्टर में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। अभी जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, विच इज द एक्सोक्राइन पार्ट, जिसका मेन काम होता है पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन, विच इज एल्कलाइन और बेसिक जूस, क्लियर। एंड दैट कंटेन द एंजाइम्स, जिसमें बेसिकली आपके पास बेटा न्यूक्लियस होगा फॉर द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देन उसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेज होगा फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। वी हैव द प्रोटीएज एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, एंड वी हैव द अनदर एंजाइम विच इज कॉल्ड लाइपेस फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट। तो मेन जो एंजाइम है जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करेंगे, दे आर टोटली प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस, क्लियर। देन उसके बाद जो एंडोक्राइन पार्ट है, वहां से निकलते हैं हॉर्मोन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हॉर्मोन है, दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन है इसमें, एक आपके पास इंसुलिन है और एक आपके पास ग्लूकागॉन है। दोनों का फंक्शन हम बेटा लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हमने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना है, अभी सिर्फ यहाँ पर हम एक्सोक्राइन पार्ट देखते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड पार्ट आपके पास आता है, दैट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की, क्लियर। तो बेटा सबसे पहले देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द गैस्टर। तो गैस्टर बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है स्टमक को, तो स्टमक इज एक्चुअली द गैस्टर, दैट इज वाई द ग्लैंड्स आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो यहाँ से जो जूस निकलता है, विच इज बेसिकली अ डाइजेस्टिव जूस, नाउ दैट इज कॉल्ड द गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है, दैट इज 1.8। तो मतलब आप मान के चलो कि इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। पीएच कितना है, 1.8। तो बेटा गैस्ट्रिक जूस इज कमिंग फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्लियर। तो अभी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो कौन सी लेयर की मॉडिफिकेशन से बनते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने उस दिन हिस्टोलॉजी में आपको बताया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द इनर मोस्ट लेयर विच इज कॉल्ड म्यूकोसा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बेटा डिफरेंट तरह के सेल्स हैं जो हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला जो सेल यहाँ पर आता है, उसका नाम है पेराइटल सेल, क्लियर। आइदर यू कैन से पेराइटल सेल और इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑक्सियंटिक सेल। तो पेराइटल सेल और ऑक्सियंटिक सेल से निकलता है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा बेटा यहाँ से निकलता है एक फैक्टर विच इज कॉल्ड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। सो बोथ आर कमिंग फ्रॉम द पेराइटल सेल विच आर ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सियंटिक सेल। अभी देखो, HCl का मेन काम हो गया एसिडिक मीडियम बनाना, और इसी वजह से हम इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर का मैं फंक्शन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12, क्लियर। सेकेंड जो टाइप ऑफ सेल इसमें आते हैं बेटा वो पेप्टिक सेल्स है, आइदर यू कैन से पेप्टिक सेल या फिर हम इसको चीफ सेल भी बोलते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन एंजाइम है वो यहीं से आएंगे। और इनका जो दूसरा नाम है वो जाइमोजेनिक सेल है, बिकॉज ये जो एंजाइम रिलीज करते हैं वो बेटा इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, और आपको पता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम को क्या बोला जाता है, प्रोएंजाइम या फिर जाइमोजन, तो इसीलिए सेल को जाइमोजेनिक सेल बोला जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला एंजाइम हम लोगों के पास है उसका नाम है पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, और सेकेंड जो आता है दैट इज कॉल्ड प्रोरेनिन, जो अगेन हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है। फिर जो बेटा थर्ड हमारे पास यहाँ पर सेल आते हैं उनको नाम दिया जाता है गॉबलेट सेल। अभी गॉबलेट है तो गॉबलेट का डेफिनेटली काम होता है म्यूकस का सिक्रेशन, और ये म्यूकस क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन। बेसिकली क्या है कि स्टमक में जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक इन नेचर, तो उससे जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो खराब हो सकती है, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास म्यूकस की कोटिंग होती है, एंड दैट म्यूकस इज कमिंग फ्रॉम द गॉबलेट सेल। तो एक आपके पास है पेराइटल सेल, एक आपके पास आते हैं पेप्टिक सेल, और एक यहाँ पर आते हैं हमारे गॉबलेट सेल। ये तीन इंपॉर्टेंट सेल्स हैं विच आर बेसिकली प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। पेराइटल सेल बेसिकली क्या सिक्रेट करते हैं, HCl एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, क्लियर। पेप्टिक यानी कि जिनको चीफ सेल भी बोला जाता है या फिर जाइमोजेनिक भी बोला जाता है, वो इनएक्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, दैट इनएक्टिव एंजाइम इज पेप्सिनोजन, और सेकंड आपके पास है प्रोरेनिन। देन उसके बाद बेटा गॉबलेट सेल्स हैं, गॉबलेट सेल का मेन काम होता है म्यूकस का सिक्रेशन, और म्यूकस क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे पेप्टिक सेल की, तो वहां से बेटा दो और एंजाइम निकलते हैं, जिसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है गैस्ट्रिक अमाइलेज, क्लियर, और एक यहाँ पर आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। अपार्ट फ्रॉम पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन वी हैव द टू अनदर एंजाइम दैट इज गैस्ट्रिक अमाइलेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। अब ये वाले दो एंजाइम बेटा यहाँ पर काम नहीं कर पाते, इसीलिए बोला जाता है कि स्टमक में मेनली जिस चीज का डाइजेशन होता है वो प्रोटीन है, क्योंकि ये जो दोनों एंजाइम्स है ना, दीज आर बेसिकली फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और मेनली जो कंपोनेंट स्टमक में डाइजेस्ट होगा वो सिर्फ आपका प्रोटीन है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर गैस्ट्रिक अमाइलेज या गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करो, तो ये दो ऐसे एंजाइम हैं जो स्टमक में काम नहीं कर पाते, क्योंकि स्टमक में पीएच कैसी है, एसिडिक, हाईली एसिडिक, 1.8, तो इतने एसिडिक मीडियम में ये फंक्शनल नहीं होते हैं, तो वहां पर सिर्फ जो काम करेगा वो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है, एंड दे डाइजेस्ट द प्रोटीन। पॉइंट इज क्लियर। तो ये आपके पास हो गया पेनक्रियास विच इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, और एक आपके पास है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपको मिलते हैं आपके स्टमक में। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं जरा हमारे सेल्स लास्ट वाले ग्लैंड पे। तो लास्ट जो ग्लैंड इसमें हम लोगों के पास है दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। पहली बात तो देखो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड अगर पूछा गया कौन से लेयर की मॉडिफिकेशन से बनते हैं, देन यू शुड रिमेम्बर दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द म्यूकोसा विच इज द इनर मोस्ट लेयर, है ना। अभी क्या है, कंसीडर करो ये हमारे पास है इनर मोस्ट लेयर विच इज नोन एज द म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में बेटा जो बाहर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं, दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्शन जो हमें बाहर की तरफ नजर आते हैं, तो दीज प्रोजेक्शंस आर कॉमनली नोन एज द विलाए। इन प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है, विलाए, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिनका मेन काम है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और जो प्रोजेक्शन इनके आपको अंदर की तरफ नजर आते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो अंदर की तरफ बन रही है ना, दीज लाइक अ पिट्स, ये पिट्स के जैसी है, पिट्स हो गए मतलब खड्डा जैसा नहीं होता है, है ना, तो इनको पिट्स बोला जाता है। तो ये बेसिकली पिट्स बनती है अंदर की तरफ, काइंड ऑफ छोटे छोटे वो बोल सकते हो आप खड्डे जैसे बनते हैं, तो उनको पिट्स बोलते हैं बाय द म्यूकोसा। तो ये जो पिट्स बनी है इनको हम नाम देते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून, क्लियर। इनको क्या बोला जाता है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नाम के बाद से इनको क्या बोला जाता है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। एंड दीज क्रिप्ट्स आर बेसिकली नोन एज व्हाट, these are called intestinal gland।
ये जो क्रिप्ट्स हैं ये बेसिकली क्या बनाती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो बेटा यहाँ पर होते हैं डिफरेंट तरह के सेल। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं जो सेल वो देख लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आते हैं एंटेरोसाइट। क्लियर? तो यहाँ पर एंटेरोसाइट है एक सेल जिनका मेन काम होता है टू सिक्रेट द बाइकार्बोनेट आयंस। क्लियर? सेकेंड जो सेल्स यहाँ पर हम लोगों के पास आते हैं वो है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर गॉबलेट सेल्स हैं, तो गॉबलेट सेल का मेन काम रहता है म्यूकस का सिक्रेशन। क्लियर? जो एक तरीके से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर वो स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका मेन काम होता है टू रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम, ताकि जो खाने का डाइजेशन है वो कंप्लीट हो सके। तो जब ये सारी सिक्रेशन आपस में मिलती हैं तो हमारे पास बनता है जूस। नाउ दैट जूस इज नोन एज द इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोला जाता है इसको? इंटेस्टाइनल जूस। और इसका दूसरा नाम क्या है? सकस एंटेरिकस। या आप इसको सकस एंटेरिकस बोल सकते हो या फिर इंटेस्टाइनल जूस बोल सकते हो। पीएच अप्रोक्सीमेटली रहेगा 7.3, तो मतलब इट इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। क्लियर? तो ये जो बेटा इंटेस्टाइनल जूस है इसमें कौन कौन से एंजाइम है? इसमें बेसिकली जो एंजाइम आपके पास होंगे उसमें एक तो आपको मिलते हैं डाइसेकेराइडेज़। क्लियर? डाइसेकेराइडेज़ का मतलब हो गया कि वो एंजाइम जो डाइसेकेराइड को तोड़ेंगे, जैसे माल्टोस, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सारे डाइसेकेराइड है। डाई टूटेगा मोनोसेकेराइड में। ठीक है? देन यू हैव द अनदर एंजाइम इंटेस्टाइनल लाइपेस जो फैट को डाइजेस्ट करेगा। फिर हमारे पास एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेज जो कि न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा। क्लियर? देन वी हैव द एंजाइम विच इज कॉल्ड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो प्रोटीन के डाइजेशन को कंप्लीट करवाते हैं। तो उसमें एक एंजाइम हमारे पास है डाइपेप्टिडेज और एक एंजाइम आता है अमाइनोपेप्टिडेज। सो दीज आर द एंजाइम विच एक्चुअली हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, और यू कैन से कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड मटीरियल। तो ये हो गए बेटा जितने भी ग्लैंड्स आप लोगों के पास हैं, टोटल पांच इंपॉर्टेंट हैं। सलाइवरी ग्लैंड है जहां से सलाइवा निकलता है, लिवर है जहां से बाइल जूस निकलता है, पेनक्रियाज है विच रिलीज द पेनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं विच एक्चुअली सिक्रेट द गैस्ट्रिक जूस, और एक है इंटेस्टाइनल ग्लैंड विच एक्चुअली सिक्रेट द इंटेस्टाइनल जूस। हाँ जी बेटा, इतना स्लाइड क्लियर हो गया सभी बच्चों को? पुट द थम्स अप ऑन द स्क्रीन इफ द गिवन पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। डन। तो यहाँ पर बेटा जो ग्लैंड्स हैं वो तो हो गए हम लोगों के फिनिश। ठीक है? अब ग्लैंड्स के बाद ऑब्वियसली देखो जूसेस तो आपने देख लिए कि कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस हमारे रिलीज होते हैं। अब हम चलते हैं खाने के डाइजेशन पे, क्योंकि अब हमने खाने को क्या करना है? ब्रेक करना है। ठीक है? अब आपने पूरा अपना एनाटॉमिकल अरेंजमेंट भी पढ़ लिया, आपने ग्लैंड्स भी पढ़ लिए, जूसेस भी पढ़ लिए, तो अब डेफिनेटली वी विल गो फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड मटीरियल। तो सबसे पहले तो बेटा पॉइंट आपके पास क्या है कि डाइजेशन बेसिकली है क्या? देखो डाइजेशन में आप क्या करते हो, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है खाने का, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आप कन्वर्ट करते हो सिंपल फॉर्म में, या फिर आप ये बोल सकते हो लार्जर फूड पार्टिकल विल बी कन्वर्ट इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल और कॉम्प्लेक्स विल बी कन्वर्ट इनटू द सिंपल, ताकि उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो डाइजेशन में ना दो प्रोसेस होंगे आप लोगों के पास। ठीक है? सबसे पहला जो प्रोसेस आप लोगों के पास होगा उसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। पहले तो आप क्या करते हो, खाना मुंह में डालते हो, उसको अच्छे से चर्न करते हो, च्यू करते हो, मैस्टिकेट करते हो, चबाते हो, तोड़ते हो, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ टंग करते हो ना। उसके बाद जाके आप क्या करते हो, उसके बाद आप उसका डाइजेशन करते हो। तो बेसिकली पहले जो आप में होता है वो मैकेनिकल डाइजेशन है, जो आप कर सकते हो, जिसमें आप इन्वॉल्व होते हो। सेकेंड जो होता है वो केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल का मतलब होता है बॉन्ड तोड़ना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना। अब उसमें आपका कोई रोल नहीं है क्योंकि वो काम बॉडी के डाइजेस्टिव जूस करेंगे। तो बकल कैविटी में जब कभी भी आप खाना लेते हो तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर खाने का क्या होता है, मैस्टिकेशन, यानी कि उसको तोड़ना, चबाना, और फिर हम उसको क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड डीग्लूटेशन। ठीक है? तो इसमें जो हमारी हेल्प करते हैं वो है हमारे टीथ और टंग, जो कि सलाइवा की हेल्प से खाने को मैस्टिकेट करवाते हैं,
फिर उसको अच्छे से मिक्सअप करते हैं ताकि हम खाने का क्या कर सके, डीग्लूटेशन, दैट इज कॉल्ड स्वेलोइंग। तो सलाइवा में प्रेजेंट होता है म्यूकस जो कि खाने को बेटा लुब्रिकेट करता है, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में जोड़ता है एंड जो खाना है इट कन्वर्ट इंटू अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं बॉलस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, अगर आप चपाती खाते हो, एक बाइट तोड़ते हो, उसको आप दांतों से अच्छे से चबाते हो, फिर धीरे धीरे वो सलाइवा में मिक्स हो जाती है, ठीक है। मिक्स होने के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू अ वेरी स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं बॉलस, फिर वो बॉलस आप निगलते हो अंदर, दैट इज कॉल्ड डीग्लूटेशन। आर यू गेटिंग? तो बॉलस जो है बेटा वो जाता है फेरिंग्स में, तो जब वो फेरिंग्स में जाएगा तो फेरिंग्स के बाद वो कहाँ जाता है, ईसोफेगस में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वेलोइंग और डीग्लूटेशन। अब ईसोफेगस में होती है वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन उनकी वॉल में, तो इनको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो जो बॉलस है वो फर्दर पास होता है थ्रू द ईसोफेगस बाय द सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन विच आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नीट एग्जाम कि जो पेरिस्टाल्सिस है उसकी वजह से बॉलस विल बी स्लोली पुश्ड डाउन इनटू द ईसोफेगस, सो फाइनली इट एंटर इनटू द स्टमक। अब जहां बेटा ईसोफेगस स्टमक में खुलेगा तो वहां पर आपके पास है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्चर। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दूसरा नाम मैंने आपको इसका लिखवाया था, इसको बेटा कार्डियक स्फिंक्चर भी बोला जाता है। तो इट रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इनटू द स्टमक। तो ये जो स्फिंक्चर है ये कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। एक बार खाना स्टमक में आ गया तो ये स्फिंक्चर बंद हो जाएगा ताकि जब खाना डाइजेस्ट हो तो वो वापस ईसोफेगस में नहीं जाना चाहिए। पॉइंट इज क्लियर? तो ये सारा जितना भी आप देख रहे हो ये सब बेटा किस में आता है, इट ऑल कम्स अंडर द मैकेनिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन इज अ दैट काइंड ऑफ द डाइजेशन जिसमें हम खाने को चर्न करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं, तोड़ते हैं, सलाइवा में मिक्स करते हैं, फिर उसका डीग्लूटेशन करते हैं। डीग्लूटेशन मीन्स स्वेलोइंग, मीन्स निगलना। तो उसके बाद वो जाता है फेरिंग्स में, बिकॉज फेरिंग्स इज द कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स से खाना जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस इज कॉल्ड द फूड पाइप। फूड पाइप की वॉल में होती है कॉन्ट्रैक्शंस जिनको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, जो धीरे धीरे बॉलस को पुश करती है नीचे की तरफ और फाइनली बॉलस किस में एंटर हो जाता है, स्टमक में। अब वो बॉलस वापिस फूड पाइप में ना जाए तो इस चीज का ध्यान कौन रखता है, इसका ध्यान रखता है स्फिंक्चर। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्फिंक्चर? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्चर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्चर। हाँ जी बेटा, इतना पॉइंट क्लियर हो गया सभी बच्चों को? पुट द थम्स अप ऑन द स्क्रीन इफ द गिवन पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। मैकेनिकल डाइजेशन कंप्लीट है और इसमें ज्यादा कोई डिटेल में आपने नहीं जाना है, ब्रीफ आइडिया लेना है, ठीक है। डिटेल जो हम करेंगे वो केमिकल डाइजेशन करेंगे बेटा। तो अभी जो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो हम करते हैं केमिकल डाइजेशन। अब देखो केमिकल डाइजेशन को केमिकल क्यों बोलते हैं? पहली बात तो ये है कि केमिकल डाइजेशन में बॉन्ड का ब्रेकेज होता है क्योंकि आप एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ के सिंपल में कन्वर्ट करते हो। सो व्हेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म दैट मीन्स देयर विल बी द बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये बिना एंजाइम के पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन, और यू कैन से केमिकल प्रोसेस। तो अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया कि जो केमिकल प्रोसेस है वो आपकी बॉडी में बेटा कहाँ स्टार्ट होता है, तो यू विल राइट डाउन द आंसर ओरल कैविटी, और यू कैन से बकल कैविटी, बिकॉज योर बकल कैविटी कंटेन द डाइजेस्टिव जूस विच इज कॉल्ड सलाइवा, एंड सलाइवा कंटेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पर देखो दो क्वेश्चंस बन गए बेटा नीट के लिए। अगर आपसे सबसे पहले ये पूछा गया कि जो हम केमिकल डाइजेशन करते हैं या जो केमिकल प्रोसेस हम करते हैं ये प्रोसेस बेटा आपकी बॉडी में कहाँ स्टार्ट होता है, तो द आंसर इज ओरल कैविटी और बकल कैविटी। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये होगा कि विच फूड कंपोनेंट डाइजेस्ट फर्स्ट, कौन से वाले फूड कंपोनेंट का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो डेफिनेटली द आंसर गोज टू कार्बोहाइड्रेट।
सबसे पहले किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में, और माउथ में बेटा एक ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है. व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? स्लाइवरी अमाइलेज. तो स्लाइवरी अमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज द टाइलिन विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. विच कार्बोहाइड्रेट? यू विल राइट डाउन स्टार्च. तो अगर पूछा गया कौन से फूड कंपोनेंट का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड, डेफिनेटली योर आंसर विल गो टू द कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द स्टार्च. अब आप ये देखो बेटा, जब आप खाने को चबाते हो या खाना खाते हो तो खाना बहुत कम टाइम के लिए मुंह में रहता है, क्योंकि जैसे आप उसको चबाओगे, तोड़ोगे, मिक्स करोगे, आप उसको निगल जाते हो साथ के साथ, है ना, स्वेलो कर लेते हो. तो काफी कम टाइम के लिए जो खाना है वो मुंह में रहेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा जो स्टार्च है वो मुंह में तो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि खाना कम टाइम के लिए बकल कैविटी में है. तो जो स्टार्च डाइजेस्ट होगा वो थोड़ा कम अमाउंट में होगा. तो अगर पूछा गया कितना परसेंट स्टार्च बकल कैविटी में डाइजेस्ट होता है, तो योर आंसर विल बी 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन द बकल कैविटी बाय द एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज. पॉइंट इज क्लियर? तो बेटा तीन चार क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ध्यान से एक बार रिवाइज कर लो. केमिकल डाइजेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होगा? ओरल कैविटी में. कौन से फूड कंपोनेंट का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट, और पर्टिकुलर बताओ तो स्टार्च. क्यों? क्योंकि बकल कैविटी में जो एंजाइम है वो स्लाइवरी अमाइलेज है. पीएच आप लोगों से पूछा जाएगा तो सब बच्चे पीएच याद करेंगे, 6.8. तो 6.8 का मतलब ये हुआ कि आपकी बकल कैविटी में जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक है, बेसिक नहीं है, स्लाइटली एसिडिक है. कितना परसेंट स्टार्च आपकी बकल कैविटी में डाइजेस्ट होगा? इट इज ओनली 30% स्टार्च, क्योंकि खाना ज्यादा टाइम के लिए मुंह में नहीं रहता है. तो सिर्फ 30% स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट होगा. एंड व्हाट इज द पीएच इन द बकल कैविटी? 6.8, दैट इज स्लाइटली एसिडिक मीडियम, स्लाइटली एसिडिक. पॉइंट इज क्लियर? अब इसी में बेटा हम लोग जरा रिएक्शन चेक कर लेते हैं. तो आ जाओ जरा रिएक्शन के ऊपर. अब जो रिएक्शन आपने देखनी है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ओरल कैविटी की, ठीक है, दैट इज बकल कैविटी, जहां पर सिर्फ एक ही फूड कंपोनेंट है जो डाइजेस्ट होगा, एंड दैट फूड कंपोनेंट इज द स्टार्च विच इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. कितना परसेंट स्टार्च यहाँ पर डाइजेस्ट होगा? ओनली 30% ऑफ द स्टार्च. What is the pH in the buccal cavity? 6.8 pH, यानी कि slightly acidic medium. तो बेटा reaction check कर लेते हैं. खाने में जो starch है आप लोगों के पास, ठीक है, जैसे आलू खाया तो उसमें starch होता है ना बहुत सारा, तो starch जो है वो basically polysaccharide है. क्या है? Polysaccharide, that is a complex carbohydrate. तो कभी भी जब आप digestion करते हो ना बेटा, तो digestion का मतलब ये नहीं होता कि आप चीजों को direct तोड़ दो. चीजें टूटती जरूर है लेकिन सीक्वेंस में. ऐसा नहीं है कि आप पॉली को सीधा मोनो में तोड़ दोगे, इट इज नॉट पॉसिबल. पॉली सीधा मोनो में नहीं टूट सकता, पॉली पहले ओलिगो में टूटेगा, ठीक है, देन आप ओलिगो सैकेराइड को मोनो सैकेराइड में तोड़ोगे. तो स्टेप बाय स्टेप चलना है यहाँ पर. तो जो हमारी बकल कैविटी में स्टार्च है विच इज अ पॉली सैकेराइड, तो 30% स्टार्च जो है वो बकल कैविटी में डाइजेस्ट होगा. एंजाइम जो आपको चाहिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? द एंजाइम इज द स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है. और आपको यहाँ पर चाहिए पीएच. व्हाट इज द पीएच ओवर हियर? द पीएच इज 6.8. और क्लोराइड आयंस का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है. पढ़ाया था ना एंजाइम वाले चैप्टर में कि किसी भी एंजाइम ने अगर काम करना है तो कुछ में को फैक्टर की जरूरत होती है, और को फैक्टर कैन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप, कैन बी को एंजाइम, कैन बी मेटल आयन. तो इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे स्लाइवरी अमाइलेज ने अगर काम करना है तो उसको क्लोराइड आयन का प्रेजेंस चाहिए, बिकॉज क्लोराइड आयन यहाँ पर क्या काम करेगा? को फैक्टर का. तो अगर मैंने को फैक्टर निकाल दिया तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपकी लॉस्ट हो जाती है. याद आया कुछ एंजाइम चैप्टर का पार्ट? क्लियर? तो अब स्लाइवरी अमाइलेज स्टार्च को तोड़ेगा, तो स्टार्च बेटा किसमें टूटेगा? The starch will split into the maltose. अब maltose basically हम लोगों के पास क्या है? Maltose is a oligosaccharide. और particular अगर पूछा गया, it is a disaccharide. Disaccharide का मतलब double sugar.
तो 30% डो स्टार्च था वो हमारी बकल कैविटी में टूट गया इनटू द माल्टोस विच इज अ ऑलिगोसैकेराइड. एंजाइम कौन सा चाहिए? स्लाइवरी एमाइलेस. पीएच कितना चाहिए? 6.8. और किसका प्रेजेंस चाहिए? क्लोराइड आइंस का. अपार्ट फ्रॉम दिस सलाइवा आल्सो कंटेन द अनदर एंजाइम विच इज कॉल्ड लाइसोजाइम. तो लाइसोजाइम बेटा एंटी बैक्टीरियल है, तो अगर कोई खाने में छोटा मोटा बैक्टीरिया है, पैथोजन है, तो उसको किल करने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम. तो इट इज प्रोवाइडिंग अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन. पॉइंट इज क्लियर. तो ये हम लोगों के पास था पहला स्टेप, दैट इज द केमिकल डाइजेशन इन द ओरल कैविटी. तो ओरल कैविटी में सिर्फ एक ही फूड कंपोनेंट है जिसका डाइजेशन होगा, वो है स्टार्च. कितना परसेंट होगा? 30%. पीएच कितना है? 6.8. और एंजाइम है स्लाइवरी एमाइलेज. वो फैक्टर कौन सा चाहिए? क्लोराइड आयन. तो स्टार्च किस में टूट गया? माल्टोस में.